हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर दास्तान। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, बिकॉज आई एम डूइंग वेल। इफ आई एम डूइंग वेल देन यू गाइस मस्ट बी डूइंग वेल। सो एज यू गाइस ऑल नो कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है वहाब उमर शाह। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, दोस्त तो सभी के होते हैं बट हर कोई वहाब उमर शाह नहीं होता। तो यार ये दास्तान है वहाब उमर शाह के बर्थडे की। वहाब का जो बर्थडे है वो होता है 9th of November को। तो 8th November की रात को हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 9th November को मॉर्निंग में शेनयांग जाएंगे और सब लोग मिलके लंच करेंगे और वहाब का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक सीक्रेट मीटिंग की विदाउट बर्थडे बॉय। उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कल जब वहाब सबको उठाएगा तो सब कोई ना कोई बहाना लगा के उसको मना कर देंगे कि यार सॉरी हम नहीं जा सकते। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने और हुसैन भाई ने जो था वो शेनयांग जाना था, हमारा एक इंपॉर्टेंट काम था। तो हम लोगों ने वहाब को बोला कि तुम सबको उठाओ और शेनयांग चलते हैं। तो वहाब जब सबको उठाने गया तो सब ने प्लान के मुताबिक उसे कोई ना कोई बहाना लगा के मना कर दिया कि सॉरी हम नहीं जा सकते। उसके बाद मैंने और हुसैन भाई ने वहाब को बोला कि हम लोगों ने तो जाना है, हमारा जाना तो ज़रूरी है, तो तुम भी हमारे साथ चले जाओ, हम तीनों मिलके जो है वो लंच इकट्ठा कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर हम किसी न किसी तरह वहाब को मना के अपने साथ लेकर चले गए। शेनयांग में हमारा जो काम था हमने वो ख़त्म किया और फिर उसके बाद शुरू हुई असल गेम। वहाब जो है वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाता है। तो मैंने वहाब को इमोशनल करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ये आप देख लें। तो वहाब भाई आज है 9th November और आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपको जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया भाई बहुत। और उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? बस फील क्या करने हैं, बर्थडे भी फील करने वाली चीज है। आपको उन लोगों की कदर है जिनको आपकी कदर नहीं है, सब सोए पड़े हैं वहाँ पे, फिर हम लोगों की कदर करना छोड़ देते हैं। तो वहाँ भाई मेरी बात सुने, आप अपने जन्मदिन के पुर मुसर्रत मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, हाँ, कि पैदा होने की खुशी ना आपको होती है ना किसी और को। अच्छा, दुनिया पे बोझ होते हैं। अच्छा, आप दुनिया पे बोझ हैं। आप भी दुनिया पे बोझ ही हैं वैसे। उसके बाद हम लोगों ने वहाब को बोला कि अभी मूवी देखने चलते हैं। बट हम लोग जो थे वो शेनयांग में थे और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने जाना था फुशन, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि वहाब को हम लोग शेनयांग से फुशन लेके आएंगे और फुशन में जो है वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग शेनयांग में थे, बाकी सारे जो थे वो फुशन में थे। तो फुशन जो है वो हमारे स्कूल के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू शेनयांग। तो हमने वहाब को ये बोला कि अगर हम शेनयांग में मूवी देखेंगे तो जो है काफ़ी देर हो जाएगी, हम ऐसा करते हैं हम यहाँ से चलते हैं फुशन, वहाँ मूवी देख के फिर रात को जितनी भी देर हुई तो आराम से घर चले जाएंगे। तो वहाब जो है वो एग्री हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए सबवे में और फिर मैंने वहाब को बोला कि यार वहाब देखो जो नहीं आए वो तो एक अलग बात है, हम ये करते हैं मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तुम उसमें सबको ये मैसेज दो कि तुम लोग तो नहीं आए बट मैंने बहुत इन्जॉय किया। बस झूठ से उसे कहानी बनाने का बोला जो उसने बना ली, या देख लें। तो जी वहाब भाई आज आपकी बर्थडे है तो हम लोग आपको लेके आए थे थोड़ा एंजॉय करवाने, तो आप कैसा फील कर रहे हैं वहाब भाई? मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कितने एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट मैं बयान नहीं कर सकता। चलें वहाब भाई, इतनी ज्यादा फिर रहने दें वहाब भाई, मैंने रह नहीं दिया, नहीं तो आप फिर कहते कि वैसे ही बस रहने दो। तो वहाब भाई जी सर, तो आज आपने क्या क्या किया आप बताएं, जो लोग नहीं आए आपकी बर्थडे पे उनको आप बताएं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे उनको बताएं? उनके लिए मेरा एक मैसेज है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रेड पैकेट ओपन करने पे जैसे आते हैं ना, तो मेरा ख्याल है उनके लिए वही सीन चलना चाहिए। और खसूसी तौर पे हम स्पेशली मैं अपने तथा भाई को मेंशन करना चाहूंगा, टांगे ऊपर करके सोए हुए थे। मैंने आपको बोला बॉस, मैंने आपको बोला सोए हुए थे, बस भाई आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में ना, जिनकी लाइफ में है वो यहाँ आपके साथ खड़े हैं। तो जब हमने वो खाया जी बाप भाई, इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बेस्ट हॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ, हॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक हो गया बाप भाई, उसके बाद इतना बेस्ट था कि मैं बयान से बाहर है, बयान नहीं कर सकते आप वहाँ भाई। अच्छा, और क्या किया आप आवाम को बताएं ना। I'm excited.
Oh, you're still excited. हम आगे से घूम के अब वांडा में इंटर होंगे. ये हम पहुंच कौन सा वांडा हम अब पहुंच चुके हैं अपने स्ट्रीट थाई युआन जीए में. अच्छा थाई युआन जीए में. हाँ, हम अब थाई युआन जीए में पहुंच चुके हैं. उसके बाद हम वांडा में इंटर होंगे. अच्छा बाप भाई. जब हम वांडा में इंटर होंगे जी बाप, हम दोबारा एक महफिल सजाई जाएगी. वाह भाई, क्या बात है आपकी, क्या बात है बाप भाई. इतनी प्यारी महफिल होगी कि मैं बयान से बाहर है ना. ओह माय गॉड. हाँ वाह भाई, आप बयान कुछ बयान भी तो करें, सब कुछ बयान से बाहर है तो बयान मैं कर नहीं सकता. ओके तो यार अभी हम लोग मुझे लगता है रास्ता भूल गए, तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा टाइम के बाद. पहले हम लोग अपनी मंजिल मकसूद का रास्ता ढूंढ लें. वाह भाई, जैसा जी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम लगता था एक दिन किसके साथ, जियो के साथ, तो आज वो दिन हमारा आपके साथ है एक दिन वाह भाई के साथ. शुक्रिया. तो आज का पूरा दिन आपके साथ है. तो अभी आप बताएं आप कहाँ जा रहे हैं. अभी हम जा रहे हैं पूछन वाले. क्यों? खान दिया नहीं. तो वाह भाई, आपने अभी पहले बोला कि हमने आज टर्मिनेटर डार्क फेट देख ली है, तो अभी फिर क्यों जा रहे हैं वाह भाई? अभी हम दोबारा एक और मूवी देखेंगे. वाह. और साथ हम लोगों ने उनको कॉल कर दी कि हम लोग शेनयांग से निकल रहे हैं, आप लोग फुशन पहुंच जाओ, जो अरेंजमेंट्स वगैरह करनी है वो कर लो. हुसैन भाई जो थे वो उन लोगों से रابطے में थे. जब हम लोग फुशन पहुंचे और वांडा जाने लगे तो उन लोगों ने मैसेज किया कि हम लोग वांडा के बाहर रोड पे खड़े हैं, तो आप लोग थोड़ा वहाब को कहीं इधर उधर बातों में लगा के थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके फिर आना. फिर मैंने वहाब को बोला कि तुम, मैं वीडियो बना रहा हूं और तुम बोलो कि मुझे आईफोन गिफ्ट किया है. हम एप्पल स्टोर के सामने खड़े हैं और मुझे आईफोन 11 प्रो इसमें मिला है. आप देख सकते हैं मेरे हाथ ये में. ये भाई, तो आज मैं इसका बहुत शुक्र हूँ कि मेरे चुम्मी लेने का दिल करते ले. लेकिन ये मेरे भाई इतने प्यारे हैं जी. वाह भाई आपका प्यार है के हम लोगों को आपने इतना मौका दिया इस काबिल समझा कि आपने हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया आईफोन 11 प्रो मैक्स. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बस. बाप ये इसको ठीक तरीके से यूज करना है. अच्छा जी भाई, बात इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसको उल्टा करके रखना नहीं है कि इस लड़की इंप्रेस करनी है. मैंने ठीक है बाप भाई नहीं रखता. हाँ, इससे घर कॉल करनी है, घर अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भेजनी है, घर भेजनी है पिक्चर्स. ठीक है बाप भाई, मैं अम्मा हजूर को कॉल करूंगा आईफोन 11 प्रो से. जी बाप भाई, घर कॉल करूंगा, अब्बा जी से बात करूंगा, अम्मा जी से बात करूंगा. जी स्टॉप इट, गेट सम हेल्प. तो अभी हम लोग जो है वो वांडा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने. तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं एक नई सोच और नए सफर के साथ. वाह भाई चलें फिर. जी भाई चलें. वाह भाई, तो वाह भाई अभी जो है वो मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं. अब हम तो आप बताएं अपने देखने वालों को आप कहाँ जा रहे हैं. टर्मिनेटर्स के बाद हम दोबारा एक मूवी के लिए जा रहे हैं. आप क्या बोलेंगे वहाब की बर्थडे के मौके पे, आप इंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ. कितना इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा. तो इस जगह पहुँच के वहाब ने अली भट्ट को बाहर से देख लिया और वो अंदर अब नहीं जा रहा था. वहाब भाई जो है वो बड़े ही वहाब भाई अभी तो लगानी पड़ेगी ना. तो और ये iPhone 11 Pro Max. और भाई कैसे iPhone 11 Pro Max अरसलान बताओ iPhone बताओ कैसा है देखने में 11 Pro Max. क्या इसे नाक के बाल कटते हैं? नहीं. अली भट्ट आप कैसे आ गए? Thank you.
जब जब आप आउट ऑफ कास्ट शादी करते हैं तो फिर ये नतीजे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखें वहाब आज अपनी बर्थडे की एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अभी ये यहाँ से घुसना चाहता है और वहां से निकलना चाहता है। अच्छा तो फिर वहां से घुसना चाहते हो और यहाँ से निकलना चाहते हो, क्या हो रहा है? मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। और ये वहाब भाई मछली के मुंह में। हम लोग जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वापस जा रहे थे स्कूल, बट मिड वे में सालिस भाई ने सबको कन्वेंस कर लिया कि मूवी देखने चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं थिएटर मूवी देखने। व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो हम लोग मूवी देख रहे हैं उसका नाम भी मिड वे ही है, मिड वे मूवी देखने आए हैं। तो अभी हम लोग मूवी देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये मूवी कैसी है। अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 10:05 और हमारा जो शो है वो 10:20 का है। 10:20 पे मूवी स्टार्ट होनी है भाई। लोग मूवी है 4DX, आज हम लोग जा रहे हैं 4DX मूवी देखने के लिए। मूवी का नाम है द मिडवे। तो हम लोग ओनली मिडवे। तो मूवी जी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। मूवी देखने के बाद ना आप लोगों को रिव्यू देंगे भाई लोग रिव्यू। दिस इज योर बॉय तलहा, ये This is our boy Mr. Babu. Mr. Babu, and this is Hollywood to Lollywood creator Arslan Khan. फिर आ गए हम आपकी। पता नहीं ये कहाँ उड़ रहे हैं। फिर आ गए। मैंने 20 साल पहले आए थे, आज फिर आ गए। नहीं मैंने सबको बताया आज के दिन हमारा वहाब भाई के साथ है। तो अभी मूवी स्टार्ट होगी, हम लोग चलते हैं मूवी देखने। यार अभी मूवी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं इन लोगों से रिव्यूज़ लूँगा कि इनको मूवी कैसी लगी। अब भी हमारे साथ हैं 8 बंदे। आ जाओ ना, बस येस नो में आंसर देना है। सालिस भाई मूवी अच्छी yes. लगी? अच्छी थी। वहाब यस नो? यस फाद, इट वाज बेस्ट मूवी ऑफ माय लाइफ। यस या लाइक चुरचुरी तलहा ड्रामा एंड वॉर नेवर यस नो फहद ना अरसलान 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 आप नजर ही नहीं आ रहे। हुसैन भाई कैसी लगी आपको? अच्छी मूवी थी। मतलब कि 8 में से 8 बंदों का ये रिव्यू के बहुत अच्छी मूवी थी। तो अगर आपने मूवी देखनी है तो आप भाई से رابطہ करें, ये ब्लैक में टिकट सेल करते हैं और आप भी मिडवे जाके देखें, बड़ी अच्छी मूवी है। तो यार 8 में से 8 बंदों का ये रिव्यू के मूवी जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो आप भी जाके देखें मिडवे, बट साथ में इतने सारे लड़के लेके जाएं तो फिर आपको मूवी का मज़ा आएगा। हुसैन भाई और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यार ये थी वहाब के बर्थडे की दास्तान। आई होप यू गाइज लाइक इट। लाइक सब्सक्राइब का मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि यार आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं दे हेल्प मी अलॉट टू इम्प्रूव। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो यार मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूंगा एक नए व्लॉग में नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।